हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, नवंबर के महीने में यह तीन घटनाएं आप लोगों के जीवन में होकर रहेंगी। जी हाँ मित्रों, नवंबर 2023 के महीने में तीन ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि आप अपने जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि या पाना चाहते हैं या जितनी भी शांति पाना चाहते हैं उन सभी को प्राप्त करके आप अपने सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बताएंगे ये तीन जानकारियाँ, तीन घटनाओं के बारे में कि ऐसी कौन सी तीन घटनाएं हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना, सुनना और समझना चाहिए, तथा यह नवंबर के महीने में आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबों से किस प्रकार छुटकारा दिलाएगा। आपके जीवन में जितने भी परेशानियां, कष्ट हैं वो सारे के सारे कैसे दूर होंगे और ऐसी वो कौन सी तीन घटना है जो नवंबर के महीने में आपके जीवन में घटने वाली हैं। मित्रों, अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को अभी यहीं पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी की सारी जानकारियाँ आपके जीवन से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आपको बताते हैं सारी जानकारी के बारे में। मुझे पहले वीडियो कॉल करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ज्योतिष के हर छोटी बड़ी जानकारियाँ और समय से राशिफल आपको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, नवंबर के महीने की शुरुआत में ही आर्थिक लाभ मिलेंगे और घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप अपने निवास स्थान को बदलने का विचार बना सकते हैं। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिनसे कि आप अपने निवास स्थान को बदल सकते हैं, परिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेश कर सकते हैं। आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने का योग बन रहा है। आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने से आप कोई जमीन मकान खरीदने का विचार बना सकते हैं। धन संबंधी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सभी परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेंगे, आपके लिए नई खुशियों को लाएंगे, आपको आर्थिक लाभ के नए नए अवसर प्राप्त करवाएंगे, निजी जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होने वाला है। मित्रों, आप परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी से समय व्यतीत करेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा जिससे आपको लाभ मिलेंगे और जीवन में सभी प्रकार के दुखों का नाश होगा। इसके साथ साथ आपके वित्तीय या आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की संभावना मिलने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुस्से वाली प्रवृत्ति को शांत बनाए रखें, क्योंकि गुस्से में आप काफ़ी हद तक बहुत तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद आपको बहुत पछताना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में आपको खूब सारी खुशियां और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति मिल सकती हैं। आप अपने संपत्ति में, व्यापार में तथा कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिजनेस में आपकी वृद्धि होगी और रुके हुए धन आपके ज़रूर मिलेंगे। आपको आपके जीवन में रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, आपको खुशियां मिलने वाली हैं, आय के मजबूत साधन भी आपको मिलने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं जिनकी वजह से आपके पास धन की कोई कमी रही ही नहीं जाएगी। मित्रों, आपको काफ़ी धन की सौगात मिलने वाली हैं तथा आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं, चाहे आप आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी परिस्थितियों में हैं जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल है, उन सबों में से आपको छुटकारा मिलेगा। कुबेर देव की कृपा से आपको खूब पैसा, सच्चा प्यार मिलेगा। आप अपने सभी कार्य समय से पूरा करेंगे। मित्रों, आप लोगों के जीवन में कुछ नए अनुभव मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने कार्यस्थल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपकी पुरानी योजनाएं इस समय पूरी हो जाएंगी और पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तरक्की के कई नए रास्ते खुलने के योग बन रहे हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि आगे की जानकारियाँ जो बताई जा रही हैं, जो सुनाई जा रही हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ एकांत में अकेले होकर अपने दिमाग को स्थिर करके सुनिएगा, समझिएगा और बताई गई जानकारी को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अवश्य करें तथा इसे दूसरों के साथ साझा न करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी काम से जीवनसाथी की सलाह ले सकते हैं और आप अपने गुप्त रूप से रखे वेतन को इस प्रकार समय प्रकट कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कुबेर देव की कृपा सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपके ऊपर आप कुबेर देव की कृपा होने वाली है, कुबेर देव की कृपा रहने वाली हैं, जिनसे कि सीधे सीधे आपके जीवन में कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, उन लोगों को किसी कारण से आपका रिश्ता टूटा हुआ है, तो जल्दी ही आप अपना खोया हुआ सच्चा प्यार मिल सकता है। आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे, आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, आर्थिक मुनाफे मिलने के योग बन रहे हैं, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, धन कमाने के कई नई योजनाएं सफलता हासिल होंगी, धन कमाने के कई नई योजनाएं मिलेंगे, जीवनसाथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी अधूरी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, आप हर क्षेत्र में किस्मत का पूरा सहयोग मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको नवंबर के महीने में जीवन की सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर आप मन लगाकर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, लव लाइफ से लेकर व्यापार नौकरी में बड़ी सफलता हासिल होगी, शनि महाराज की कृपा से आपके ऊपर सबसे अधिक रहेंगी, जिसकी बदौलत आप काफ़ी अच्छी तरक्की पा सकते हैं, आपको लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा, शनिदेव आप पर मेहरबान हो रहे हैं और आपको इस वर्ष इस महीने काफ़ी खुशियों की बरसात कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी दूर होने लगेगी, सभी प्रकार की परेशानी से आप छुटकारा पाओगे, आप अपने करियर को महान ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई अवसर ढूंढ सकोगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका एक हर एक छोटा से छोटा सपना, हर एक इच्छा आपके लिए सर्वोपरि कर सकेगा, सारा रुका हुआ काम आपका पूर्ण होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में प्रेम का प्रवेश कर सकते हैं, प्रेम में आपकी काफ़ी इच्छा बढ़ेगी, अपनों से छोटों का सम्मान करें, यदि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं तो आपको अपने सच्चा प्यार पाने में बहुत सहयोग मिलेगा, सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। मित्रों, भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा से आप लोगों के ऊपर भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी, बिजनेस के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और लव लाइफ भी आपका बेहतरीन रहेगा। आपको आपके जीवन में इस समय धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगा और लव लाइफ भी आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप इस समय बहुत ही उज्ज्वल भविष्य को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे और भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करने वाले हैं। आप अपने जीवन में नई नई उपलब्धि को हासिल करोगे और नए नए लोगों के साथ दिखाने वाले हैं। मित्रों, आगे की जानकारियाँ सारी की सारी रहस्यमयी रहेंगी, इसलिए आगे की जानकारियों को जानने, सुनने और समझने से पहले अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी आगे की जानकारियों को देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद डील मिलने वाला है, बहुत बड़ा योजना आपका सफल होने वाला है, बहुत बड़ी क्रिएटिव फील्ड में आप मजबूती को हासिल करेंगे, रियल इस्टेट बिजनेस के लोग भी नए हाउसिंग कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में सूर्य पुत्र शनिदेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी ऊँचा होगा और आप नई ऊँचाई को हासिल कर सकते हैं,
आपका दिन लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत जितने भी आप करोगे वो सारे के सारे आपके फेवर में आने वाला है। बस आपको मेहनत के साथ लगनशील रहना होगा, कार्य क्षेत्र में मेहनत करना होगा। विशेष मेहनत से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। नवंबर का महीना आपके लिए यादगार रहेगा, तरक्की भरा रहेगा, आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दिलवाने वाला है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।